हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त देवानंद और आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवानंद सलूशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ यहां पे उपस्थित हुआ हूं और आज हम एक नए टॉपिक को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो इसलिए आसानी से आपको मिलते रहें और आप हमारे वीडियो का वीडियो से हमारे वीडियो से नई नई चीजें सीखते रहें। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं और हमारा आज का नया टॉपिक है 9 नंबर के बारे में, 9 के अंक के बारे में एक टॉपिक है और इसका मैजिक है, क्या मैजिक है वो आपको हम यहाँ पर डिस्कस करके बताने वाले हैं। दोस्तों, हमारा 9 अंक हमारे नंबर सिस्टम के एक पार्ट है 9, और हमारा ये इसका जो जादू है क्या है मैं बताने वाला हूँ। 9 एक ऐसी संख्या है दोस्तों, किसी भी संख्या में अगर इसका हम गुणा कर दे, किसी भी संख्या में इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो उनके जो भी संख्या प्राप्त होती है उनके अंकों का अगर हम सम निकालें, मतलब उनके अंकों का योगफल अगर करें, तो वो हमको 9 ही प्राप्त होगी। कोई सी भी संख्या आप ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए और उस संख्या में 9 से एक बार गुणा कर देंगे तो उनके जो अंकों का सम है, जो भी गुणा करने के बाद हमको संख्या प्राप्त होगी, उनके अंकों का जो योगफल होगा हमेशा 9 ही होगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल के साथ इसको डिस्कस कर लेते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक संख्या ले ली है 46, हमारी संख्या है 46। हम क्या करेंगे, इस 46 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से। देखते हैं क्या आता है इसमें। 9 से मल्टीप्लाई कर 9 6 54, यहाँ पे हो जाएगा 4 और कैरी एक 5 गया और 9 6 36 और 36 और 5 41 हो जाएगा। अब इनके अंकों का अगर हम सम निकालते हैं तो क्या मिलेगा हमको, इसका सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंकों का सम क्या हो जाएगा, 4 + 1 + 4, ये आएगा कितना बराबर, 4 1 5 4 9, कितना हो गया 9। तो अंकों का योगफल क्या हो गया, 9 हो गया। मैंने क्या बोला था कि 9 एक ऐसी संख्या है, अगर इसको किसी भी संख्या के साथ गुणा कर दे तो जो भी संख्या आएगी अगर उनके अंकों का योगफल निकालेंगे वो हमेशा 9 ही होगी। तो 9 यहाँ पे मिल गया। कोई और भी संख्या ले लेते हैं, हम सब ले लेते हैं 4 6 9, 4 6 9 हमने एक संख्या ले ली, इसमें हमको 9 से मल्टीप्लाई करना है। 9 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9 9 81, कैरी 8 हो गया इसका। ओके दोस्तों, फिर 9 6 54 और 54 और 8 कितना होगा, 54 और 8 62, कैरी 6 हो गया अभी, और 9 6 36 और 36 6 42, ये कितना हो गया, 4 2 2 1, इसका सम निकालेंगे अंकों का क्या हो जाएगा, 4 + 2 + 2 + 1, कितना होगा, 4 2 6 2 8 1 9। कोई भी संख्या आप ले लें, कोई भी संख्या ले ले आप और उसका अगर 9 के साथ हम गुणा कर देते हैं तो जो भी संख्या आएगी अगर उनके अंकों का हम सम करते हैं तो हमेशा 9 ही मिलेगा। सपोज हमने ले लिया एक संख्या 1 1 1 1 1, देखते हैं इसमें गुणा कर देते हैं 9 का। 9 का गुणा करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 9 1 9 9 1 9, कितने टाइम, 6 टाइम 9 आ जाएगा। ठीक है, इनको अंकों को एक बार हम जोड़ लेते हैं, कितना आएगा हमको, यहाँ पे आ जाएगा अंकों का सम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9। ठीक है दोस्तों, इसको ऐड करते हैं, 9 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54, यहाँ इस क्या हो जाएगा, 5 + 4, ये कितना होगा, 9। कितनी भी बड़ी संख्या है दोस्तों, अगर उनके अंकों का उसमें 9 से अगर हम गुणा कर दें और उनके अंकों का अगर हम योगफल निकालेंगे तो हमेशा 9 आएगा। दोस्तों देखो, यहाँ पे हमने एक बार सम किया तो यहाँ पे 54 आया, यहाँ पे 9 नहीं आया, लेकिन फिर क्योंकि 54 क्या है, ये 2 डिजिट का है, फिर 2 नंबर है, तो 9 तो सिंगल नंबर है ना, यहाँ पे फिर ऐड कर देंगे 5 + 4 को, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दोस्तों ये एग्जांपल हमारा लेने का मतलब ये था कि अगर गुणा करने पे फिर जोड़ने के बाद अगर उनका योगफल 9 से अधिक आ गया तब फिर हम क्या करेंगे, तो फिर उनका भी सम कर दो तो 9 आ जाएगा। दोस्तों ठीक है, कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं 465,
इसमें हम 9 से गुणा कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें गुणा करेंगे 9 5 45, कैरी 4, 9 6 54, 54 और 4 58, कैरी 5, फिर 9 6 36, 36 और 5 कितना हो गया 41 हो गया। इसको सम करते हैं क्या हो जाएगा, ये 4 + 1 + 8 + 5, ये बराबर कितना हो जाएगा 8 5 13, 13 14 14 4 18 हो गया। अभी 18 का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 8, ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमने इतने एग्जांपल्स लिए, इतने एग्जांपल से आप लोगों को कंफर्म हो ही गया होगा कि कैसे 9 अंक का अगर गुणा हम किसी भी संख्या में कर देते हैं तो उनका जो संख्या आती है 9 का गुणा करने के बाद, अगर उनके अंकों का हम सम कर दें तो हमें हमेशा योगफल 9 ही मिलने वाला है। तो लेकिन एक चीज बहुत ध्यान से आपने गौर किया होगा, अगर हम 9 से गुणा किसी भी संख्या में कर देते हैं तो मतलब कहने का मतलब ये हो जाता है कि 9 उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, मतलब 9 फैक्टर के रूप में उस संख्या के अंदर चली जाती है। तो अगर हम 9 किसी भी संख्या के अंदर ऑलरेडी 9 का फैक्टर, अगर 9 का गुणनखंड अगर उसके अंदर अवेलेबल हो जाए तो कहने का मतलब उसका भी सम, अगर उस संख्या का सम करेंगे तब भी 9 आना चाहिए। सपोज बिल्कुल एक बार चेक कर लेते हैं, कोई भी संख्या सपोज हमने 45 ले लिया, 45 का फैक्टर करेंगे तो 9 × 5 होगा, 9 × 5 हो गया। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं हमको मिला क्या 9 × 5, कहने का मतलब 5 में 9 का गुणा किया गया है तभी तो 45 आया है। तो कहने का मतलब 9 ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है, 9 अगर जिस संख्या के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा तो कहने का मतलब उसका भी सम 9 ही आएगा। देखो 45 के अंकों का सम क्या हो गया 4 + 5, ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या ले लेते हैं जिसके अंदर 9 अवेलेबल हो, जिसके अंदर 9 का गुणनखंड, 9 संख्या 9 का गुणनखंड जिस संख्या के अंदर अवेलेबल रहेगा उसके भी अंकों का अगर हम सम निकालेंगे तब भी 9 आए। दोस्तों हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ओके दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।